हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल वर्मा, IES ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट IES। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। करंट अफेयर्स मैंने आपका पूरा कंप्लीट कर दिया है और करंट अफेयर्स में सिंपली आप लोगों को मैं मंथ वाइज करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन 2020 के लिए, इनको पढ़िए। मिनिमम आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे इनमें से, और सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा वास्ट पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और जितना आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। अब तो मैं 4 मॉड्यूल कवर कर चुका हूँ, 1, 2, 3, 4, जिसमें आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का क्लियर हो गया है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉड्यूल नंबर 5 और इसमें आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे मई 2019 का। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 5। बहुत टू द पॉइंट मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, बस आप उनको याद कर लीजिए, आपको ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है चीज़ों को लेकर। पहला पॉइंट मैंने लिखा है गृह फॉर द एग्जिस्टिंग स्कूल डेज। गृह के बारे में आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से एनर्जी एनवायरनमेंट वाले सब्जेक्ट में बता चुका हूँ वहाँ पे। और गृह बेसिकली प्रोवाइड कराता है, एक रेटिंग सिस्टम है आपको जो ग्रीन बिल्डिंग्स और नेचुरल हैबिटेट्स को दिया जाता है। और गृह ने आपका एक गृह के बारे में एक पॉइंट और बताया था मैंने आपको, एनर्जी एनवायरनमेंट अगर आपको ध्यान हो, ये आपका फाउंडेड बाई टेरी, TERI। टेरी के बारे में भी मैंने वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया था। टेरी का फुल फॉर्म है, याद कर लीजिए आप लोग, द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, टेरी। तो ये गृह फाउंडेड बाय द टेरी। तो गृह फॉर द, अभी रिसेंटली गृह ने एक नई स्कीम निकाली है, गृह फॉर द एग्जिस्टिंग डेज स्कूल्स। तो गृह की स्कीम बेसिकली है फॉर द एग्जिस्टिंग डेज स्कूल के लिए, और जहाँ पे सिंपली है एनवायरमेंट से रिलेटेड परफॉर्मेंस मेजरमेंट करेंगे ये लोग। तो ग्रीन, गृह का फुल फॉर्म भी लिखा है मैंने यहाँ पे, ग्रीन रेटिंग फॉर द इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। गृह काउंसिल हैज लॉन्च्ड अ रेटिंग टूल फॉर द स्कूल टू एवेल्यूएट द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस रेट करने के लिए आपको गृह फॉर द एग्जिस्टिंग डे स्कूल, इस तरीके ने टूल निकाला है गृह ने, गृह फॉर द एग्जिस्टिंग डे स्कूल्स आपका ये टूल है फॉर स्कूल के लिए टू मेजर द या फिर एवेल्यूएट द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। बस इतना आप याद रखिए। और गृह प्रोवाइड द नेशनल रेटिंग सिस्टम एज अ डिजाइन एंड द इवेल्यूशन टूल्स फॉर द ग्रीन बिल्डिंग्स एंड द हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट्स और आपकी जो ग्रीन बिल्डिंग्स हैं उनके लिए रेटिंग प्रोवाइड कराता है आपका गृह। तो आप बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, बस ये बेसिकली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका ये था यहाँ पर, गृह फॉर द एग्जिस्टिंग डेयरी स्कूल टू इवेल्यूएट द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। चलिए यहाँ पर सेकेंड पॉइंट लिखा है मैंने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, फेम सेकेंड स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फेम सेकेंड स्कीम लॉन्च की गई है और ये बेसिकली बेस्ड है आपके एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करना है, वहाँ पे कार्बन कंटेंट जो आपका एमिशन हो रहा है कार्बन एमिशन को उसको भी कम करना है, और जो बाहर से हम लोग ऑयल मंगाते हैं, जो भी इंपोर्ट करते हैं ऑयल रिसोर्सेज को, उनको भी कम करना है। तो इसलिए आपकी फेम सेकेंड स्कीम लॉन्च हुई है। और इस फेम का यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा है मैंने, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। तो आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, हमें अडॉप्ट भी करना है एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स को। फेम सेकंड एम्फेसाइजेस एन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दैट इंक्लूड शेयर्ड ट्रांसपोर्ट। तो मतलब कि जिसमें आपके शेयर्ड जो आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसमें एम्फेसाइज करना है किसको, इलेक्ट्रिफिकेशन को, जो भी आपके इलेक्ट्रिक रिलेटेड व्हीकल्स होंगे उनको एम्फेसाइज करना है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन को एम्फेसाइज किया जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में फेम स्कीम के थ्रू। जब इसको एम्फेसाइज किया जाएगा तो इससे होगा क्या, वी कैन सेव द 64% एनर्जी डिमांड ऑन द रोड बेस्ड मोबिलिटी, जो आपकी रोड बेस्ड मोबिलिटी है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हम लोग 64% एनर्जी डिमांड को सेव कर सकते हैं, 40% एनर्जी हम सेव कर सकते हैं, 37% कार्बन इमिशन रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग, 37% कार्बन रिड्यूस कर सकते हैं बाय 2030 एंड रिड्यूस द ऑयल इंपोर्ट 10% बाय 2020। और ये सारे आपके जो ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं वो आपके CII के द्वारा लिए गए हैं। द कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री CII हैज मेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अबाउट फेम। तो फेम की आपके सिंपल से ऑब्जर्वेशन है CII के थ्रू लिए गए हैं, क्लियर ना। तो फेम सेकंड आप इतना याद रखिए इसके बारे में, एम्फेसाइज ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये आपके लिए कब सफिशियंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन रिसेंट अनाउंसमेंट बाय द यूनाइटेड स्टेट, रिसेंटली अनाउंस किया यूनाइटेड स्टेट ने, इट हैज रिमूव्ड इंडिया पे फोकस करिए आप लोग, इंडिया एंड स्विट्जरलैंड फ्रॉम द करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट।
करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट इंडेक्स आपका ये है 2019 का, जिसमें आपको इंडिया को रिमूव कर दिया गया है, इंडिया और स्विट्जरलैंड को रिमूव कर दिया गया है। इन रिसेंटली अनाउंस बाय द यूनाइटेड स्टेट इट हैज रिमूव्ड इंडिया एंड स्विट्जरलैंड फ्रॉम द करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट इनको दोनों को रिमूव कर दिया गया और कुछ कंट्री को इसमें इंक्लूड किया गया है। द यूएस हैज रिटेन अदर कंट्रीज लाइक इनको रिटेन कर लिया गया, जैसे आपके चाइना है, जापान है और जर्मनी, इस लिस्ट में दोबारा से रिटेन किया गया इनको। तो सिंपल सा पॉइंट है, इस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से आपको रिमूव कर दिया गया इंडिया को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लास्ट टाइम पे भी डिस्कस लास्ट मॉड्यूल में डिस्कस किया था जब मैंने आप लोगों को ईवीएम के बारे में बताया था। तो ईवीएम के बारे में बताने से मैंने आपको बहुत यहाँ पे ईवीएम के बारे में बताया था जब आपकी वोटिंग स्टार्ट हुई थी, इसके बाद आपके वोट कंप्लीट हुए, उसका रिजल्ट आ गया, जिसके बारे में मैंने एक पॉइंट लिखा है। सिंपल सा, एनडीए लीडर नरेंद्र मोदी शॉन एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर सेकेंड टर्म। दोबारा से आपके एनडीए लीडर नरेंद्र मोदी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर आपके ओथ ले चुके हैं, आपके शपथ ले चुके हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेशनल, ये आपको फुल फॉर्म लिखा है मैंने एनडीए का, मे भी थोड़ा आपको पता हो, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए लीडर्स, बीजेपी पार्टी है लेकिन अलायंस आपको याद रखना चाहिए कि एनडीए से है, रिलेटेड ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस। तो आपकी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए लीडर नरेंद्र मोदी स्वान एज अ 15th प्राइम मिनिस्टर, तो उन्हें शपथ ली है एज अ 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओथ कौन दिलाता है प्राइम मिनिस्टर को, आपका ये प्रेसिडेंट दिलाते हैं और इनको ओथ दिलाई थी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद ने आपको ओथ दिलाई है इनको प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और ये 17th लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, वाज हील्ड इन 7th फेज, और ये 7 फेजेस में हुए हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है पॉइंट। 17th लोकसभा इलेक्शन वाज हेल्ड इन 7th फेज फ्रॉम द 11th अप्रैल टू 19th ऑफ मई 2019, इसको याद करके रख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, यूपीएससी में 3 या 4 बार क्वेश्चन ही पूछ चुके हैं, लास्ट बार जब इलेक्शन हुए थे तब यूपीएससी के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कितने परसेंट वोट कास्ट हुए हैं, तो आपके यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वोट कास्ट हुए हैं 67%, इसको मैं लास्ट मॉड्यूल में बता चुका हूँ। और सीटें कितनी थी, नंबर ऑफ सीट थी 43 है आपकी, एक एंग्लो इंडियन का, यहाँ पे दो एंग्लो इंडियंस का कोटा रहता है, 543। नोट, जो वोटिंग हुई आपकी, एक्चुअल वोटिंग हुई वो 542 के लिए ही हुई आपकी। नोट, नोटा के बारे में नन ऑफ द अबव, जैसे मैंने आपको लास्ट मॉड्यूल में बताया था ना कि वैलिड यूनिट रहता है, वैलिड यूनिट में आपके जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं उनकी सभी का नाम रहेगा, उनका सिंबल रहेगा और उसके आगे एक बटन रहेगा नीला बटन, इसके बाद नीचे आपका एक और रहता है नन ऑफ द अबव वाला बटन नोटा। और इसके इंपॉर्टेंस ये रहती है कि आपको इसमें से कोई भी अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपका यहाँ पे नोटा में आप क्लिक कर सकते हैं, क्लियर ना। तो ये बटन, ये इसमें सबसे हाईएस्ट वाला इस बार जो हुआ है 5.04% गोपालगंज इन बिहार, ये बिहार में एक है गोपालगंज, यहाँ पे सबसे ज्यादा पोलिंग बूथ है गोपालगंज, यहाँ पे सबसे ज्यादा नोटा को वोट दिए गए 5.04%। यहाँ पे नोटा लेकिन विन नहीं हुआ, लेकिन वोटिंग सबसे ज्यादा यहाँ पे नोटा को मिली है गोपालगंज में, तो हाईएस्ट वोटिंग है, हाईएस्ट नोटा यहाँ पे मिला है गोपालगंज में। चलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं सीट्स का, तो किस तरीके से आप बिन हुई है सीटें, ये तो आपसे नंबर्स में नहीं पूछ सकते, मे बी आपसे परसेंटेज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। तो एनडीए ने विन किया है इसको और उसको ली 43.86%, जस्ट राउंड फिगर आप याद करके रखिए 43 या 44। यूपीए मिली 25.81% और नॉन अलाइंड को मिली 30.33%। तो एनडीए विन हुई, लीडर कौन इसके, नरेंद्र मोदी, और कंडक्ट बाय द इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पता होगा लेकिन थोड़ा मैंने यहाँ पे लिखा है, और अगर आपको नहीं पता इलेक्शन कमीशन के बारे में तो मैंने पढ़ाया है, आपने पॉलिटी में आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से लेकिन इतने आपकी जरूरत नहीं है, तो बस आप ये याद रखिए जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हूँ उनको बस याद करके रख लीजिए। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन फॉर द यूनियन एंड स्टेट, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और इलेक्शन कमीशन की जो करंट अफेयर्स में अभी देखा रहेगा क्वेश्चन वो ये रहेगा, इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ द 2 इलेक्शन कमिश्नर प्लस 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है आपके, इलेक्शन कमिश्नर जो है आपके इस टाइम पे श्री सुनील अरोड़ा जी हैं, और इलेक्शन कमीशन जो आपके 2 एक्स्ट्रा आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं वो आपके फर्स्ट हैं अशोक लबोसा, और दूसरे हैं आपके सुशील चंद्रा। तो ये दोनों आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं और आपके 1 चीफ इलेक्शन
कमिश्नर, वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोरा, इनको जरूर याद रखिए, सुनील अरोरा जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल सा पॉइंट मैंने लिखा है। यहाँ पे इंडिया यंग शूटर सौरभ चौधरी वन द गोल्ड मेडल विद अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल एट अ ongoing international shooting sport federation ISSF, इसको याद रखिए आप, ISSF कंडक्ट कराया था आपका, इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में आपको गोल्ड मेडल मिला है, किसको? सौरभ चौधरी को। तो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है आपके, सौरभ चौधरी won the गोल्ड मेडल और एंड क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द मेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल और कंडक्टेड बाई या ऑर्गेनाइज बाई किसने? ISSF के द्वारा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, इसरो टू लॉन्च लूनार मिशन, इंडिया सेकेंड लूनार मिशन चंद्रयान सेकेंड इज शेड्यूल टू बी लॉन्च बिटवीन 9 जुलाई टू 16 जुलाई 2019। अभी हम जब जुलाई पढ़ेंगे तब इसको मैं दोबारा से आपको बता दूंगा बहुत इस तरीके से। तो इस टाइम पे आपका मई में आपका ये शेड्यूल था कि आपका 9 जुलाई और 16 जुलाई में आपका ये लॉन्च होगा लूनर मिशन। इट वुड बी लॉन्च्ड यूजिंग द इंडियाज मोस्ट पावरफुल रॉकेट GSLV मार्क MK3 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च करना था इन द श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। बस इतना याद करके रखिए। अभी नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, इसको याद रखिए आप लोग, कृष्णमूर्ति, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति अपॉइंटेड एज एडवाइजरी काउंसिल मेंबर, अब उनको एज एडवाइजरी काउंसिल मेंबर भी अपॉइंट कर लिया इन द 15th फाइनेंस कमीशन के, क्लियर, इसको याद रखिए। IMD ये आपकी IMD रेटिंग में आपकी इंप्रूव हुई है, इंडिया की रैंक पहले 2018 में आपकी रैंक थी 88, अभी इंप्रूव होकर आपकी 44 प्लेस पे पहुंच गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। IMD वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019, IMD वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग बेसिकली एक सिंपली एक रैंक प्रोवाइड कराता है वर्ल्ड वाइड, और जिसमें ये रैंकिंग की बेस रहती है इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे रहेगी आपकी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे कवर, गवर्नमेंट की इफिशियंसी एंड द बिजनेस इफिशियंसी के बेस पे रहती है आपकी रैंक। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक पॉइंट देख लीजिए से, इट गिव्स इट्स रैंकिंग बेस्ड ऑन द डिजिटल एक्सप्लोरेशन स्किल्स ऑफ द इकोनॉमिक्स फॉर द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन द गवर्नेंस एंड द बिजनेस एंड द सोसाइटी, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन द गवर्नेंस बिजनेस एंड सोसाइटी की फॉर्म में। इंडिया इज मूव टू 44th प्लेस फ्रॉम द 48th प्लेस इन द इन 2018 में, 2018 में इसका 48th प्लेस था, अभी 44th प्लेस पर पहुंच चुकी है आपकी। IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट हैज इकोनॉमिकल जज इन द फोर्थ कैटेगरी में जज करता है आपका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, गवर्नमेंट इफिशियंसीज के बेसिस पे एंड द बिजनेस इफिशियंसी के बेसिस पे। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट आपके बहुत सिंपल से पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। ताइवान आपका फर्स्ट कंटिनेंट बन गया, हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंटिनेंट टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज अलाउ है, यहाँ पे लीगलाइज हो गया, ये लीगल फॉर्म में आ गया यहाँ पे। तो ये फर्स्ट कंटिनेंट बन गया विच हैज लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, ताइवान। सेकेंड मैंने देखा यहाँ पे IIT Mumbai has developed a microprocessor named as Azith, fully manufactured in India. ये इंडोजीनियस आपका माइक्रो प्रोसेसर है जो फुल्ली आपका मैन्युफैक्चर हुआ है कहाँ पे? इंडिया में, और ये काफी अच्छा रेवोल्यूशन आने वाला है इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, काफी इंप्रूव भी करेगा ये थ्रू दिस माइक्रो प्रोसेसर नेम्ड एज Azith, इसको याद करके रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है डॉक्टर AS किरण कुमार, चेयरमैन ऑफ द इसरो हैज कन्फर्म्ड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इनको फ्रांस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, किसको मिला है? डॉक्टर AS किरण कुमार को, ये चेयरमैन ऑफ द इसरो है, और किस लिए मिला है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फॉर इंडिया एंड फ्रांस स्पेस कॉपरेशन के लिए, इंडिया फ्रांस स्पेस कॉपरेशन के लिए ने हाई सिविलियन अवार्ड मिला है डॉक्टर AS किरण कुमार को। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट वन देखते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई 2019 को सेलिब्रेट किया गया, इसको याद रखिए बहुत अच्छी तरीके से, 1 मई 2019 को, और इसकी थीम थी सस्टेनेबल पेंशन फॉर ऑल,
sustainable pencil for all, the role of the social partners, the role of the social partners. इसको याद रखिए, जितने भी आपके थीम्स हैं, इंटरनेशनल डेज हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, जो वो ही लिख रहा हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे, और उनको याद करके रखिए सिर्फ आप. चलिए सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पे बचा हुआ है आईपीएल के बारे में पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में. लास्ट टाइम पूछ लिया था एक बार क्वेश्चन आईपीएल से, आईपीएल 2019 के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है. ये आपका 12th सीजन था आईपीएल का और विनर था इसमें मुंबई इंडियंस. ये फोर्थ टाइम विनर है आपकी, चार बार विनर हो चुके हैं आपके ये विनर मुंबई इंडियंस, और रनर अप पे थे यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स CSK, और प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है आपका आंद्रे रसल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यहाँ पे आपका मई का आपका लगभग मई 2019 का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया. जो भी आपके रिलेटेड थे इंजीनियर सर्विस एग्जाम में आज क्वेश्चन आ सकते थे वो मैंने आपके सारे कवर करा दिए आपको. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कल मैं आप लोगों को फिर से मॉड्यूल नंबर 6 पढ़ाऊंगा. थैंक यू.